वेलकम फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ वर्ड बिनाइन, बी ई एन आई जी एन, बिनाइन, बी ई एन आई जी एन, बिनाइन। एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स काइंड और जेंटल फॉर ए पर्सन, कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए हम काइंड कह सकते हैं, जेंटल कह सकते हैं, ठीक है, उदार, भला मानुष, ठीक है। नॉट डेंजरस, डिजीज आदि के सेंस में, बीमारी के सेंस में कि बहुत ज्यादा ये डेंजरस नहीं है, हल्का फुल्का है, ठीक है। गुड कंडीशन, जैसे क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, कोई प्लेस हो गया, वहां अच्छा कंडीशन है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बिनाइन। यानी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं हितकर, उदार, दयालु, अच्छा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ये एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको आप कह सकते हैं। हिंदी में हितकर है, उदार है, दयालु है, अच्छा है, परोपकारी, सब कुछ कह सकते हैं आप उसे। काइंड है, जेंटल है, कोई व्यक्ति है, तो कोई बीमारी है तो बहुत ज्यादा वो ये नहीं है कि खतरनाक है, हल्की फुल्की बीमारी है, आपको गुड कंडीशन प्लेसेस के लिए, मौसम के लिए, इन सब चीजों के लिए, क्लाइमेट के लिए, तो आप कह सकते हैं गुड कंडीशन। अभी हम सेंटेंसेस में समझेंगे। एंड हाउ टू प्रोनंसिएट इट, हाँ, उच्चारण कैसे करेंगे इसे, तो देखिए मैं लिखता हूं, बिनाइन, 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 बी नाइन नहीं बोलिएगा, बहुत सारे लोग बी नाइन बोलते हैं, बिनाइन, ठीक है, बिनाइन। तो ये आपका प्रोनंसिएशन हो गया। और यहां पर देखिए सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा, शी इज ए बिनाइन लेडी, हाँ, उदार है, अच्छी है, सौम्य और सुशील भी आप कह सकते हैं, सौम्य सुशील, देखिए यहां लिखते हैं सौम्य, शिष्ट, हाँ, जिसको शिष्टाचार आता हो, सुशील। तो ये आप जितने भी है ना अच्छे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, विशेषण है, शी इज ए बिनाइन लेडी, यानी कि बहुत ही सौम्य, सुशील, अच्छी, दयालु, उदार किस्म की लेडी है। बिनाइन ऑडियंस भी होता है, कोई स्पेक्टेटर है या ऑडियंस है जो कि कुछ या तो थिएटर में कोई प्ले देख रहा है, ऐसे भी स्पेक्टेटर हैं, ग्राउंड में मैच देख रहे हैं, तो बहुत कहते हैं कि बड़े अच्छे क्राउड हैं भाई, कोई हल्ला गुल्ला नहीं बचा रहे हैं, बड़े ये सौम्य है, सुशील हैं, अच्छे हैं, तो ये आप बिनाइन लेडी। इज द ट्यूमर कैंसरस और बिनाइन, देखिए पहले पहला जो है यहां पे आपको क्लियर हो रहा है, इज द ट्यूमर कैंसरस और बिनाइन, कैंसरस का मतलब बहुत खतरनाक है, कैंसर की तरह, क्या ट्यूमर कैंसरस है या बिनाइन है या हल्का फुल्का है, हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है या खतरनाक ही नहीं है, तो ये यहां वाला आपको आ गया। दूसरा मतलब, वी आर एंजॉइंग दिस बिनाइन क्लाइमेट, इस अच्छे मौसम का, वेदर का, ठीक है ना, वातावरण का हम क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो गुड कंडीशन से ये रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।